हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑरेंज सोप बनाना बताऊंगी। मैंने दो ऑरेंज ले लिए है। इसके लिए इसका छिलका उतार लेंगे हम। अंदर का जो है पार्ट्स हमें नहीं लेना है। इसके लिए हमें डिस्टिल वाटर लेना है और इसमें डलेगा हमारे सोप में, ये हमें ग्लिसरीन भी इसमें ऐड होगा। ये हमारा सोप बेस है जो हम इसमें सोप में इस्तेमाल करेंगे। आपके पास अगर सोप बेस नहीं है तो आप ईयर सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालने के लिए, सोप बनाने के लिए इसका छिलका उतार लेंगे। हमारी स्किन के लिए ऑरेंज बहुत अच्छा होता है। इसका छिलका हम जो है इस्तेमाल में लेंगे सोप के लिए। ये हमारा वाइट पार्ट्स आ गया है इसमें, तो हम इसको इस तरीक़े से निकाल लेंगे। ये हमारा ऊपर का ही लेना है हमें, जो ये पीला दिख रहा है ये ऊपर का छिलका ही लेना है हमें। देखिए, ऑरेंज के छिलके पे जो ये अंदर से सफ़ेद हो रहा था वो हमने हटा दिया है। इस तरीक़े से हमको साफ़ कर लेना है। इसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। सारे हमने साफ़ कर लिए, इसी तरीक़े से हमने पोरों को साफ़ कर लिया है, छिलकों को। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम 3 चमचे डिस्टिल वाटर ले रहे हैं हम। आपके पास अगर डिस्टिल वाटर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। हम 3 चमचे ग्लिसरीन के ले लेंगे। ये हम 3 चम्मच ग्लिसरीन डाल देंगे। ये हमने ऑरेंज के छिलकों को पीस लिया। अब इसको हम छान लेंगे, जूस निकाल लेंगे इसका, कपड़े से छान के मलमल के। ये हम इसको अच्छे से दबा के पूरा जूस निकाल लेंगे इसका। ये हमने सारा जूस निकाल लिया है। देखिए, ये हमारे फेस के स्क्रब के लिए काम आ जाएगा। ये भी वेस्ट नहीं होगा, बहुत अच्छा काम करता है हमारी स्किन के लिए। मैं ये आपको बताऊंगी अगली वीडियो में ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने 80 ग्राम जो है सोप बेस लिया है। इसको हम इस तरीके से बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे इसके। जब हम डबल बॉयलर करेंगे तो जब परेशानी नहीं होगी, जल्दी से ये मेल्ट हो जाएगा। सोप बेस को हम डबल बॉयलर कर लेंगे। डबल बॉयलर ही करना चाहिए, डायरेक्टली चूल्हे पे नहीं पकाना चाहिए इसको। ये हम सोप बेस ले लिए, इसको हम डबल बॉयलर करेंगे। यह हमारा पानी गर्म हो चुका है अच्छे से। अब इसको हम डबल बॉयलर कर लेंगे। ये हमारा सोप बेस जो है मेल्ट हो चुका है। अब इसको हम उतार लेंगे चूल्हे पे से। हमारा सोप मेल्ट, हमने इसको अच्छे से पिघला लिया है। अब इसमें हम सारा जूस डाल देंगे, ऑरेंज के छिलके वाला जो हमने निकाला। 80 ग्राम हमने जो है सोप बेस लिया था। ये हमारा 30 ml जो है हमारा जूस है जो हमने ऑरेंज के छिलकों का निकाला था इसमें डाला हमने। इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम सोप मोल्ड में डाल देंगे। अगर आपके पास सोप मोल्ड नहीं है तो आप कोई सा भी एक डिब्बा ले सकते हैं, प्लास्टिक का, आइसक्रीम का कौन सा भी ग्लास लेके आप उसमें भी डाल सकते हैं। पहले उसमें वैसलीन लगा लो, फिर उसके बाद डाल सकते हैं। 24 घंटे के लिए हम रूम टेम्परेचर में रख देंगे इसको। ये हमारा सोप बन के तैयार हो जाएगा। 24 घंटे बाद देखिए हमारा ऑरेंज सोप बनकर तैयार हो गया है। ये आपकी स्किन को फेयर करेगा, सन टैन और डार्क स्पॉट की समस्या को दूर करके आपके चेहरे पर निखार लाएगा।